दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 165 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइज, आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि इस दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। और हाँ, आज से डेली वीडियो आया करेगी। अरे भोसड़ी वाले, कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? करीब से करीब 1 मंथ हो गए लेकिन अभी तक एक ही वीडियो नहीं आया। ऊपर से ऊपर झूठ बोले जा रहे हो। हमें तो लगा था कि शायद कहीं तुम मर गया होगा, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। ये बकबक छोड़, हमारे लिए वीडियो चालू कर, नहीं तो तुम्हारे खोपड़ी तोड़ दूंगा साला। सॉरी, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां वैंग क्यू जैसे ही अपने गोल्डन स्पीयर से उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करती है तो वैंग क्यू का गोल्डन स्पीयर उसे लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है। और इसे अचानक से गायब होता देख वैंग क्यू के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यह तीनों ही युहाओ की तरफ अपीयर हो जाते हैं और इन्होंने युहाओ को तीनों तरफ से घेर लिया होता है। तभी यह तीनों अपनी अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और इन तीनों के ही फॉर्मेशन के बीच में हुआ युहाओ आ रहा होता है। और इन तीनों ही फॉर्मेशन के बीच में आने की वजह से युहाओ पे काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर पड़ रहा होता है और यह मन में कहता है कि यह तो काफी बुरा हुआ जो ये सभी तीनों मुझ पे ही अटैक कर रहे हैं। तभी वैंग क्यू कुछ काफी गलत महसूस करती है और इस तरफ युहाओ इस फॉर्मेशन की पावर को फील कर पा रहा होता है जो कि पूरी तरीके से इसकी एक्सपेक्टेशन से परे थी। और क्योंकि युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है इसलिए युहाओ की काफी बुरी हालत हो रखी होती है। और यह मन में कहता है यह एक ऐसी पावर है जिससे यहाँ तक कि मिलेनियम्स तक को भी डर लगता है क्योंकि ये अपने रास्ते की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आखिर क्यों ये जो तीनों बीस्ट हैं, ये यहाँ तक कि तो 10,000 ईयर ओल्ड भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन तब भी इनके पास इस तरीके की स्ट्रेंथ क्यों है? अब मुझे इन तीनों से बनी हुई एक फॉर्मेशन के बारे में याद आया कि जो शेरक अकेडमी के क्रिएटर थे, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर फ्लैंडर लू अलोंग और द ग्रेट मास्टर, जो कि किसी समय पर गोल्डन ड्रैगन द गोल्डन ड्रैगन किंग के नाम से भी जाने जाते थे। और इन तीनों के अलावा शेरक अकेडमी ने दोबारा कभी किसी को भी 3-person स्पिरिट फ्यूजन को करते हुए नहीं देखा और इनके फ्यूजन के रेंज में ये हर एक चीज को डस्ट में बदल सकते हैं। और युहाओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और यह मन में कहता है कि और बात बस इतनी सी नहीं है कि मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मुझे तो सांस लेने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और इस तरीके के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मैं अपने मेंटल अटैक को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ और ना ही मेरी स्प्रिट पावर को, और यहाँ तक कि मेरी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो भी कुछ भी नहीं कर सकती है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दो विशाल प्लेट्स के बीच में फंस गया हूँ। और तो ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चैन बॉल से बांधा गया हो। और इतने ज्यादा इमेंस प्रेशर के बीच में स्नो एम्परर बाहर निकल के आती है और इसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और युहाओ इससे माफी मांगते हुए कहता है, स्नो एम्परर मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम अपनी पावर को भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और जब वैंग क्यू और युहाओ को इन तीनों की फॉर्मेशन के बीच में ऐसी हालत में देखती है तो इससे भी युहाओ की काफी चिंता होने लगती है और यह कहती है, हुआ युहाओ बस थोड़ा सा और संभाल लो। और इतना कहते ही यह काफी खतरनाक तरीके से एक वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ऊपर अपने गोल्डन स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर देती है। लेकिन वो वेयरवुल्फ भी आसानी से इसे नोटिस कर लेता है और इस चीज से वैंग क्यू भी काफी घबरा जाती है और उस वेयरवुल्फ के अटैक की वजह से वैंग क्यू काफी पीछे तक रगड़ हुए जाती है और यह भी इसके अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो जाती है। और यह मन में कहती है, यहाँ तक कि मेरा गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी इसे नहीं तोड़ सका। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और इस तरफ युहाओ इस फॉर्मेशन के बीच में मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि मैं इस बार भी बच के नहीं भाग सकता हूँ। आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, मुझे माफ करना, क्योंकि ऐसा देखता है कि जैसे कि आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर युहाओ अपने इन आखिरी पलों में डोंगर को याद करने लगता है और इस तरफ वैंग क्यू और भी युहाओ की इतनी बुरी हालत को देखती है और यह काफी जोर से नहीं चिल्लाती है क्योंकि यह युहाओ को कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए ये तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन के ब्लड थ्रस्ट को इस्तेमाल करती है। और जैसे ही अपनी इस पावर को इस्तेमाल करती है, चारों तरफ बिजलियां गरजने की आवाज आने लगती है और वैंग क्यू की पूरी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को होते हुए यह वेयरवुल्फ भी देख रहा होता है और जबकि इस तरफ युहाओ अब भी इस प्रेशर के नीचे ही होता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी।
लेकिन तभी यह गोल्डन स्ट्रिप्स से चारों तरफ से घेरने लगती है और इन गोल्डन स्ट्रिप्स को अपने आप को लपेट देख युहाओ भी काफी हैरान होता है और यह कहता है ये तो गोल्डन ओरा है। और यह गोल्डन स्ट्रिप्स इसे चारों तरफ से घेरने लगती है और देखते देखते ये गोल्डन स्ट्रिप्स युहाओ को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और इसके अंदर ऐसा हम देखते हैं कि वान क्यूएयर और युहाओ की बाहों में है और युहाओ मन में कहता है ये तो कितना ज्यादा वम है। और तभी इसे पता चल जाता है कि यह वान क्यूएयर है। और तभी हम इन गोल्डन स्ट्रिप से एक गोल्डन आमा को बनते हुए देखते हैं जिसे युहाओ ने पहन रखा होता है और अब इसे दिया है। और अगर वैंग क्यू यहाँ पर समय पर नहीं आती तो यहाँ तक कि स्नो एम्प्रेस की मदद के साथ भी मैं इनसे कब का ही हार चुका होता और बुरा से बुरा ये पॉसिबल होता कि मैं यहीं पर मर जाता। वैंग क्यू मैं सच में अभी काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और तभी हम काफी ज्यादा एनर्जी को उन तीनों के फॉर्मेशन के बीच में गिरते हुए देखते हैं जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जब ये फॉग गायब हो रहा होता है तब तक यह वेयरवुल्फ भी काफी थक चुके थे और तो और इन्होंने अपने गार्ड्स को भी नीचे कर लिया होता है और ना सिर्फ इतना बल्कि इन्होंने अपने फ्यूजन को भी खत्म कर लिया होता है। और करीब करीब यह वेयरवुल्फ अब खुश होना शुरू हो गए थे क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के नीचे आ जाने की वजह से युहाओ राख होके मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन जैसे ही यह धुआं छट है तभी हम इस धुएं में युहाओ की शेडो को देखते हैं जिसे देख के इन वेयरवुल्फ के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और इनमें से एक वुल्फ कहती है, वैसे तो वो नहीं जानती थी कि यह क्या हो रहा है लेकिन अचानक से वो लड़की अंदर की तरफ भागती हुई गई, लेकिन अब शायद वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। और तो और एनिमल सोल से ज्यादा ह्यूमंस काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। और तभी हम इस फॉग के अंदर एक फिगर को खड़े हुए देखते हैं और तभी तीन नाइफ से इस वुल्फ के आके लग जाती है और यह वुल्फ भी काफी हैरान होती है और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। और तभी अचानक से ये काफी जोर से दहाड़ने लगती है और ये दहाड़ने के अलावा कुछ और कर पाती उससे पहले ही एक काफी तगड़ा इसके ऊपर ब्लास्ट होता है और इसके ऊपर के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस नजारे को देख के ये बाकी के जो वुल्फ थे इनके भी होश उड़ गए होते हैं। और तभी हम उस मिस्ट के बाहर युहाओ को बाहर निकलते हुए आते हुए देखते हैं और यह वाकई में इस सूट में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और युहाओ को इतना ज्यादा पावरफुल देख के यह वेयरवुल्फ भी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही यह वुल्फ दुम दबा के यहाँ से भागने लगता है क्योंकि यह युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग मडनस से ऑरा को फील कर पा रहा होता है। और इसके होश तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये पलक झपकते हुए युहाओ को अपने सामने देखता है और युहाओ इसे सिर्फ अपने एक ही हाथ से उठा के काफी दूर फेंक देता है और तो और यह पूरी तरीके से बर्फ में भी फ्रीज हो गया होता है। और जो दूसरा बीस्ट यहाँ से भाग रहा होता है इसी दौरान इसकी नजर इस पर पड़ती है तो इसके भी काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ और जाते हैं जब यह अपने साथी को पूरी तरीके से बर्फ में जमे हुए देखता है जो कि इसी की तरफ आ रहा होता है। तो ये काफी ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाता है और एकलौता जो यह आखिरी वुल्फ एब बचा था यह अपने प्यारे भाई की आंखों में यहाँ से भाग के जाने के मैसेज को देखता है। लेकिन अब यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और स्नो एम्परर की वजह से इस वुल्फ के भी चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए होते हैं। और एक्सट्रीम कोल्डनेस की वजह से युहाओ अपनी आइस ब्लास्ट की टेक्निक को इस्तेमाल कर पाता है उस जमे हुए आइस वुल्फ के ऊपर जिस वजह से वो दोनों ही इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और इस तरीके से युहाओ बड़ी ही आसानी से इन तीनों को हरा देता है और हम देखते हैं कि यह आमर टूटने लगा था और युहाओ भी काफी बुरी तरीके से लड़खड़ा लगता है और यह मन में कहता है कि मैजिक सकल के उस काफी खतरनाक अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करना पड़ा। और तभी युहाओ की बॉडी के ऊपर से वो जो आमर था वो वापस से गोल्डन स्ट्रिप्स में बदल के इसके ऊपर से हटने लगता है और पूरी तरीके से युहाओ के ऊपर से हट जाने के बाद ये वैंग क्यू बन जाती है। और यह भी काफी चौंक जाता है जब ये वैंग क्यू को नीचे गिरते हुए देखता है और यह इसे बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता भी है। और हम देखते हैं कि वैंग क्यू काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और युहाओ ने वैंग क्यू को नीचे गिरने से बचा लिया होता है। और वैंग क्यू की इतनी बुरी हालत को देखकर युहाओ को भी इसकी चिंता होने लगती है। वैंग क्यू मुस्कुराते हुए इससे कहती है, तुमने एक बार ही मुझे बचाया था, लो अब मैंने उसकी भी कीमत चुका दी है और मेरे ऊपर अब तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं है। तो युहाओ मना करते हुए कहता है, नहीं, हमारा एक दूसरे के ऊपर कोई भी एहसान या कर्ज नहीं है और तुम अब और ज्यादा बात मत करो, बस तुम आराम करो। और फिर युहाओ वैंग क्यू की पूरी बॉडी पे काफी गहरे जख्मों को देखता है और यह मन में कहता है, उसकी पूरी बॉडी पर काफी बुरी तरीके से घाव हो रखे हैं और तो और उनमें से लगातार खून बहे जा रहा है जिस वजह से इसकी जो वॉटलिंग है वो काफी तेजी से घट रही है और अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो ये काफी जल्द ही अपनी जान खो बैठेगी। और तभी युहाओ चिल्लाते हुए कहता है,
वैंग क्यू प्लीज मुझे माफ करना, शायद मैं आगे जो करने वाला हूँ उससे तुम नाराज हो, लेकिन तुम भी तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखी हो, लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारा अभी इलाज करना ही होगा। और इतना कह के युहाओ तुरंत ही फर्स्ट एड किट को बाहर निकाल लेता है, और जब ये वैंग क्यू के पैरों पे जख्मों को देखता है तो एक पल के लिए ये खुद भी काफी हिचक जाता है, लेकिन फिर यह वैंग क्यू के पैरों पे जो कपड़ा होता है उसे चीर फाड़ के अलग कर देता है, जिसके बाद ये सुई धागों से इसके जख्मों को सिलने लगता है, और ऐसे ही इसके एक एक करके सारे जख्मों को सिलने में काफी समय लग जाता है, और आखिर यह काफी समय बाद अपने काम को पूरा कर लेता है, और यह राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, चलो खून का बहना तो बंद हुआ, आखिरकार ये दिक्कत भी खत्म हो ही गई। और हम देखते हैं कि युहाओ ने वैंग क्यू के काफी ज्यादा कपड़ों को फाड़ दिया होता है, और तो और इसने पूरी तरीके से वैंग क्यू को पट्टिया में लपेट दिया होता है, लेकिन जब इसकी नजर वैंग क्यू के कपड़ों पे जाती है तो इसके काफी बुरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, और यह चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने पहले तो इसके कपड़े को बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया। और फिर यह अपने आप से ही बात करते हुए अपने आप को बटका भरते हुए कहता है, युहाओ आखिर तुम अभी यह क्या सोच रहे थे। और फिर हम कुछ मिनट बाद देखते हैं कि युहाओ ने वैंग क्यू को दूसरे कपड़े पहना दिए होते हैं, और वैंग क्यू जो बेहोश थी उसे देखकर युहाओ मन में कहता है, मुझे माफ कर, मुझे माफ करना जो मैंने पहले तुम्हारे कपड़ों को फाड़ दिया, वैसे तो मेरे ये कपड़े पुराने हैं, लेकिन ये कम से कम साफ है। और जब युहाओ वैंग क्यू के हाथ को पकड़ के इसे चेक करता है तो इसके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं, और यह मन में कहता है, मैं पहले ही वैंग क्यू के जख्मों पे पट्टी कर चुका हूँ, और तो अब तो इसका खून भी नहीं बह रहा है, लेकिन तब भी ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कि इसकी जो ब्रीथिंग है वो लगातार कमजोर होती जा रही हो। और फिर युहाओ अपने लेफ्ट हैंड को देखता है और अपना चाकू बाहर निकाल लेता है, और युहाओ मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। और इतना कह के युहाओ अपने हाथ को काट लेता है, और इसके हाथ में से जो खून निकलता है इसे यह वैंग क्यू को पिला देता है, और इसे पिलाते हुए यह मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ब्लड के अंदर जो सोल गोल्ड की पावर है वो वैंग क्यू की वाइटल को अवेक कर सके। और यह जब अपने हाथ को देखता है तो ये थोड़ा चौक जाता है, क्योंकि इसके हाथ हाथ पर जो जख्म था वो काफी तेजी से हील हो गया होता है, इसलिए एक बार और अपना हाथ काटता है और इसे खून पिलाता है, और ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता है, और हम ग्राउंड पर युहाओ के खून को भी पड़े हुए देखते हैं, और तो और इसका ड्रैगर भी जमीन पर ही पड़ा होता है, जिसके बाद हमें युहाओ का हाथ दिखाया जाता है जिस पर काफी ज्यादा जख्म हो रखे थे, मतलब कि युहाओ ने वैंग क्यू को ब्लड पिलाने के लिए अपने हाथ को काफी बार काटा है, जिस वजह से वैंग क्यू अब आराम से सांस ले पा रही होती है। और युहाओ हाफते हुए वे मन में कहता है, ये तो अच्छा हुआ, मैं अब तो ये भी महसूस कर सकता हूँ कि वैंग क्यू की जो वाइटल है वो अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमजोर नहीं रही है। और फिर यह ऊपर की तरफ देखता है और मन में कहता है कि आखिरकार अब मुझे और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही यह बेहोश होके ग्राउंड पे पड़ जाता है, और इसी के साथ ये दोनों ही काफी गहरी नींद में चले जाते हैं। आप लोग इसे किस्मत कह लो या कुछ भी, लेकिन जब ये दोनों अपने सबसे कमजोर स्टेट में थे तब इस दौरान इनका सामना किसी भी सोल बीस्ट से नहीं हुआ, और ना ही किसी सोल बीस्ट ने इनके ऊपर हमला किया, और इनसे कुछ ही दूरी पे वो जो तीन वेयरवुल्फ थे उनकी स्प्रिट रिंग्स उनकी लाशों के ऊपर निकल के आ जाती है, लेकिन समय के साथ ही वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, और यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज हम करने वाले हैं